फ्रेंड्स, परमवीर सिंह भंडारी पर एक नया एलिगेशन निकल कर आया है। मामला 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ नहीं है, ये मामला है 10 करोड़ का। इसके चलते बुकी ने लेटर लिख दिया है डीजीपी संजय पांडे को, और इसके चलते अब इस मामले को सीआईडी ने टेक ओवर कर लिया है। जो खबर आ रही है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही हैं, झड़ियाँ लग गई हैं एलिगेशंस अगेंस्ट परमवीर सिंह भंडारी, लेकिन मामला कोर्ट में है, इसके चलते सब जुडिस है, लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि कितनी और खबरें निकल कर आती हैं रिलेटेड टू परमवीर सिंह और उसमें कितनी सच्चाई है। परमवीर सिंह भंडारी द्वारा एक बुकी को अरेस्ट किया गया, थाने पुलिस स्टेशन लेके जाया गया, एक्सटॉर्शन में 10 करोड़ की मांग की गई। अब इसको आप एक्सटॉर्शन कह लीजिए या अरेस्ट के बदले 10 करोड़ की मांग की गई, लेकिन जो सरप्राइजिंग फैक्टर है वो ये है कि 10 करोड़ आप पे करिए प्रदीप शर्मा को, ये कहा गया परमवीर सिंह भंडारी द्वारा। जो खबर निकल कर आ रही है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सोनू जलान ने लेटर भेज दिया है महाराष्ट्र डीजीपी संजय पांडे को, जिसके चलते अब सीआईडी ने इस केस को टेक ओवर किया। मामला है 2018 का। एक्सटॉर्शन सेल ऑफ थाने पुलिस वॉज टेकन सोनू जलान टू परमवीर सिंह, हु वॉज द देन पुलिस कमिश्नर। सिंह आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रिकेट बुकीज इन इंडिया एंड ऑल्सो थ्रेटन टू अरेस्ट हिम इन अ बिग केस अलॉन्ग विद हिज फैमिली मेम्बर्स इफ ही वॉन्टेड टू सेव हिमसेल्फ। अगर अपने आप को बचाना है तो 10 करोड़ रुपये पे करना है प्रदीप शर्मा को, जो कि कहा गया सोनू जलान को, जो कि अपने स्टेटमेंट में सोनू जलान ने डी जी पी संजय पांडे को भेजा है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से परमवीर सिंह भंडारी को एंथेलिया बॉम्बस्केयर केस और मनसुख हिरेन केस के चलते पुलिस कमिश्नर के पद से हटाया गया, लेकिन उसके बाद से महाराष्ट्र में उथल पुथल मची हुई है। अनिल देशमुख रिज़ाइन कर चुके हैं और वहीं अनिल देशमुख पर सीबीआई और ईडी दोनों एफआईआर दर्ज कर चुकी है, एक्सटॉर्शन मामला और ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामले में। इस बीच महाराष्ट्र से इतनी खबरें आना ऑन परमवीर सिंह भंडारी एक सरप्राइजिंग फैक्टर है, लेकिन सच तो आने वाला वक्त बताएगा और उस पर ही आने वाले दिनों में कार्रवाई होगी। सीबीआई के नए डायरेक्टर चीफ आ चुके हैं, अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि सीबीआई भी इस केस को किस तरह से टेक ओवर करती है और इस पर किस तरह का निर्णय लेती है, क्योंकि मामला है परमवीर सिंह भंडारी, अनिल देशमुख, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सुशांत सिंह राजपूत, एक केस भी है जिसके चलते जस्टिस की मांग की जा रही है और सीबीआई पर लोग आंखें बिछाए बैठे हैं। तो वी एक्सपेक्ट कि नए डायरेक्टर कुछ जल्दी इस पर कुछ अपडेट देंगे। एक पॉजिटिव नोट के साथ कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए परमवीर सिंह भंडारी पर एक नया मामला, एक नया केस जो उजागर हुआ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया।